हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर मॉक टेस्ट 2020 के बारे में, जो हमारी डेली क्लास रहती है। 2 या 3 दिन आप लोगों की क्लास ऑफ रही थी, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आप लोग इस एग्ज़ाम की जानकारी के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब रेगुलर क्लासेज आप लोगों की रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो HP 3+V कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस JIT के लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन बैच भी प्रोवाइड करवाता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है मेरा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तीन ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, 100%, 200% एंड 400%। तो प्लीज बताइए आप लोगों का जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसकी जूम परसेंटेज क्या है। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, राइट आंसर इसका 400% रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश इज अ सेट ऑफ कीवर्ड सिंबल एंड अ सिस्टम ऑफ रूरल फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेबल वाई अ कंप्यूटर। तो वहां पे बात की गई है कि ये सेट ऑफ होता है कीवर्ड सिंबल्स का, सिस्टम ऑफ रूल्स का, जो कंस्ट्रक्ट करता है सिस्टम की स्टेटमेंट्स को, जो ह्यूमंस के द्वारा या ह्यूमंस के लिए जिसके द्वारा वो कम्युनिकेट कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को, और जिसके द्वारा जो आप लोगों का ये जो पूरा सिस्टम होता है या आप लोगों की इंस्ट्रक्शन होती है उनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करवाता है ह्यूमन पर्सन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हैगा, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों की एक फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और इसके आप लोग कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज डिजाइन भी कह सकते हैं, जो कम्युनिकेट करती है इंस्ट्रक्शन टू ए मशीन। ठीक है, पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर अ कंप्यूटर के लिए बनाई गई होती हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन टू एक्सप्रेस एल्गोरिदम। तो प्रोग्राम किसके लिए बनाए जाते हैं आप लोगों को पता है, किसी भी तरह आजकल आज के समय में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप लोगों ने किसी मशीन को कंट्रोल करना है तो मशीन रोबोटिक फॉर्म में, तो उसके लिए एक प्रोग्रामेबल सेट रहता है आप लोगों का, उसके द्वारा ही हम उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, जितने भी आप लोगों के लॉज एल्गोरिदम एक्सप्रेशन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। तो इनमें से बताइए आप लोगों का कौन सा है, जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था वो इनमें से क्या चीज कंटेन करता था। द फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक वर्ब्स, फजी लॉक, लॉजिक एंड न्यूरल नेटवर्क। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये दोनों आप लोगों के गलत होंगे, राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट है, जो आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये कंटेन करता था अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक वाल्व को। फोर्थ क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट रेफर्ड एज। जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों का क्रिएट करता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को पता है DBMS और सूट का तो कोई लेना देना नहीं है आप लोगों के टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट के साथ। जो आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर रहता है आप लोगों का, ये आप लोगों का टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा आप लोगों का वेब ब्राउजर है, राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, नेटस्केप या आप लोगों का क्रोम। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो आप लोगों को पता है राइट आंसर आप लोगों का ए और बी आएगा, नेटस्केप आप लोगों का हो गया, क्रोम हो गया आप लोगों का। तो ये सारे चीजें आप लोगों की क्या है, एक तरह की ब्राउजर है। ठीक है, आप लोगों को वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है यूसी ब्राउजर के ऊपर, जो आपका बैन किया गया है। सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का है फोर्टन इज अ प्रोग्रामिंग इट इज मोर सुटेबल फॉर। जो आप लोगों की फोर्टन होती है ये किसके लिए आप लोगों की सुटेबल होती है, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए तो DBMS है आप लोगों का, मार्केटिंग के लिए आप लोगों का टैली वगैरह होता है, बट साइंटिफिक एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने परफॉर्म करनी है तो वहां पे आप लोग यूज करते हैं फोर्टन को। फोर्टन इज द बेस्ट एंड ओनली मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली यूज फॉर योर साइंटिफिक एप्लीकेशन। इट इज डिजाइंड फॉर परफॉर्मिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो जितनी भी आप लोगों की साइंटिफिक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की जाती है आप लोगों की, बहुत सारी आप लोगों की किसके द्वारा की जाती है, फोर्टन के द्वारा, तो ध्यान रखना इसके बारे में। सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर
कॉम्पोनेंट दैट अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। तो बताइए जल्दी क्या होता है आप लोगों का। तो ये कौन सा ऐसा एक आप लोगों का डिवाइस होता है हार्डवेयर कंपोनेंट का जो आप लोगों को अलाउ करता है टू यू एंटर योर डाटा और इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को। तो ये आप लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस आप लोगों का ऐसा डिवाइस होता है जो आप लोगों का कम्युनिकेट करता है और आप लोगों का एंटर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, ठीक है जी, जो आप लोग उसको कमांड देते हैं। What type of devices are CDs and डिवाइस? तो आप लोगों के जो CDs और DVDs होती हैं ये कौन से आप लोगों के डिवाइस हैं, किस तरह के हैं? तो इनपुट और आउटपुट का इससे कुछ संबंध नहीं है। राइट आंसर आप लोगों का ऑप्टिकल स्टोरेज आएगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं CD और DVD आप लोगों की यूज की जाती है किसके लिए, राइट डाटा ऑन देम, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाटा अगर आप लोगों ने राइट करना है, राइट का मतलब उसके ऊपर अगर आप लोगों ने स्टोर करना है, इवन थ्रू कॉम्पैक्ट, ठीक है। दीज डिवाइस आप लोगों के इजिली कैरी कर सकते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, दे आर ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए इनसे आप लोग किसी भी तरह का डाटा कैरी कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट पे भी कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों का है द स्पीड ऑफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो किसमें करते हैं आप लोग क्लॉक फ्रिक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर की मेजर उसकी स्पीड को? तो हर्ट्स में करते हैं, CPS और बिट्स में नहीं करते हैं। राइट आंसर आप लोगों का हर्ट्स आएगा। तो हर्ट आप लोगों का एक ऐसी चीज होती है जो यूनिट है आप लोगों की, जो ध्यान रखना आप लोगों ने स्पीड ऑफ क्लॉक जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो प्रोसेसर की उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली। तो अगर आप लोगों ने अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो आप लोगों को इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है? रैम की जरूरत पड़ती है, मदरबोर्ड की जरूरत पड़ती है, बट फ्लैश ड्राइव की नहीं। फ्लैश ड्राइव आप लोगों के पेन ड्राइव हो गए, आप लोगों के मेमोरी कार्ड हो गए, इन चीजों की आप लोगों को किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती है टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है आप लोगों की? तो फास्ट आंसर देंगे आप लोग, तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आप लोगों की गलत होगी, बेसिक आप लोगों की गलत है, बट फोर्टन आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। फोर्टन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, याद रखना आपने इसके बारे में। फोर्टन की भी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसलिए यह साइंटिफिक मैटर के लिए ज्यादा यूज की जाती है आप लोगों की। ओके जी, तो इस चीज ठीक है। Which of the following was the first computer language? तो कौन सी है आप लोगों की? तो Fortran आप लोगों का right answer रहेगा, formula translation. So okay, formula translation was the first widely used high level general purpose के लिए आप लोगों की use की जाती है, और ये एक तरह की high level की एक general purpose programming language भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना आप लोगों ने इसके बारे में, अगर question पूछा ले जाए, IBM के द्वारा आप लोगों की ये develop की गई थी, और किस पर्सन का नाम अगर आप लोगों का पूछा जाए तो जॉन वकस का आप लोगों ने याद रखना है नाम, इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th, विच टाइप ऑफ सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। इनमें से कौन से ऐसे सिंबल्स होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज के द्वारा यूज किए जाते हैं? तो कॉर्ड्स और मशीन कॉर्ड्स आप लोगों के यूज नहीं किए जाते हैं, निमोनिक्स आप लोगों के यूज किए जाते हैं, किसके द्वारा? आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 13th क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई। तो ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो अलाइन सेंटर आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स आप लोगों की क्या है? लिनक्स एक तरह की आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और याद रखना आप लोगों ने ये आप लोगों का यूज किया जाता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान रखना। एक तो सबसे पहली बात है आप लोगों की, इसका जो मॉडल होता है वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आप लोगों का लिनक्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आप लोगों का, विच की इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर एट अ टाइम टू द लेफ्ट। तो इनमें से कौन सी आप लोगों की है जो यूज की जाती है एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में? तो ये आप लोगों की बैक स्पेस रहता है आप लोगों का, ठीक है। बैक स्पेस आप लोगों का डिलीट करता है करेक्टर को जो पोजीशन आप लोगों की, और शिफ्ट करता है बैक, और ये टेक्स्ट करता है एंटर को, और इसमें पोजीशन आप लोगों की जो रहती है वो 1x1 आप लोगों की रहती है, ठीक है। तो बैक स्पेस इज यूज टू डिलीट वन करेक्टर एट ए टाइम टू द लेफ्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना।
16 क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कौन सा है आप लोगों का, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एक समय में इनटू मशीन लैंग्वेज में। तो ये आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, इंटरप्रेटर। 17 क्वेश्चन है, व्हाट डज अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। तो क्या क्या आप लोगों का इंक्लूड करता है आप लोगों का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर Apple device, right answer all of the above आएगा, ठीक है, तीनों को ये contain करता है आप लोगों का, तो important आप लोगों ने याद रखनी है, तीनों चीजें आप लोगों की इसमें होती हैं। 18 question है आप लोगों का, an input device that utilizes a light sensitive detector to subject object and on a display is known as, ठीक है, an input device that utilizes a light sensitive detector to select object on a display screen in Known as, ठीक है, इनपुट डिवाइस की यहाँ पे बात की जा रही है, जो एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो क्या करता है, सिलेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को जो आप लोगों की डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर होती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जानते हो आप लोग, इसको जानते हैं आप लोग लाइट पेन के नाम से, ठीक है, लाइट पेन इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन है, ए डैश इज यूज टू डायरेक्ट एंड डिस्पैच डाटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा है आप लोगों का जिसे यूज किया जाता है डायरेक्टली और डिस्पैच करने के लिए डाटा पैकेट को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो आप लोग जानते हैं रूटर इसका राइट आंसर रहेगा, रूटर आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI आप लोगों का क्या है, क्या GUI आप लोगों का ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, गलत है, GUI आप लोगों का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सही है, और ये आप लोगों का गलत रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, GUI के द्वारा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है इंटरफेस करने के लिए, और ये अलाउ करता है यूजर को टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट सच एज पिक्चर्स एंड एनिमेशन। पिक्चर और एनिमेशन के रूप में अगर आप लोगों ने ग्राफिकल इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो आप लोगों के पास होना चाहिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के साथ जो हमने डिस्कस किए, तो आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए रिगार्डिंग योर HP एग्जाम। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं 8 बजे, धन्यवाद।